हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। इवनिंग का टाइम है, सभी बड़ों का प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार। तो देखो अभी टाइम हो रहा है 8:10 बाकी है। तो चलो सभी बड़ों को प्रणाम देती, छोटों का ढेर सारा प्यार देती। जो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहना, मुझे सपोर्ट करना। जो पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बजाना, बेल बटन को बजाओगे तभी मेरा नया ब्लॉग आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलो इवनिंग का टाइम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने संडे है आज, तो संडे को मॉर्निंग में एक ब्लॉग बनाई थी और ब्लॉग शूट किया था एक मॉर्निंग में, तो एक अभी इवनिंग में कर रही हूँ। ब्लॉग किया था वो बांग्ला में, वो एंड करके अभी इवनिंग में कर रही हूँ। थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं आज इवनिंग का भी एक, क्योंकि मेरा जो इधर की फ्रेंड्स है वो भी एक देख लेंगे संडे का ब्लॉग, और जो मेरा बंगाली फ्रेंड्स है वो भी देख लेंगे संडे का ब्लॉग, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया। तो चलो चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट जाऊंगी, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, आपके साथ शेयर करूंगी। फिर घर पे आके खाना बनाना है। तो चलो आज की शाम की ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, चलो साथ चलते हैं मार्केट। अब तो हस्बैंड को भी बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि बेटी को इतना लिखना पड़ेगा, लगा लो पूरी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे जाके अगर आए तो उसके लिए, और कल तो उसका पेपर है, वो तो उसमें से कुछ पढ़ ही नहीं पाया, मतलब कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, बिल्कुल तहस नहस कर दिया कॉपी का एकदम। मेरा सर एकदम, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे आधा टेंशन रहता है उसका। तो चिकन लेके आए, तो इस चिकन को आज मैं ऐसे ही बनाऊँगी, मैरिनेट वेरिनेट कुछ नहीं करूँगी, सिंपल ही बनाऊँगी। मसाला रेडी करके गई थी मैं, तो आलू थोड़ा सा काट लिया था, मूड बहुत ख़राब है तो सिंपल ही ऐसे ही बना लूँगी। तो ये देखो सारा मसाला भी डाल दिया, साबुत तेल डाल दिया, तो इसी में मैं, तो यहाँ पे मैंने सारा मसाला दे दिया, और सारा मसाला लेके मसाला को थोड़ा सा फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसी में चिकन डाल दूँगी। तो ये चिकन डाल दिया, अब मैं इसको अच्छी तरह चला के मसाला को फ्राई भी हो जाए और होगा, और चिकन में इसमें ऐसे फ्राई करूँगी इसको। तो ऐसे ढक ढक के ही मैं इसको फ्राई करूँगी। मैं गई थी थोड़ा सा सामान लेने जो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस महीने मैं लेके नहीं आई थी शुरू में, तो ये हॉर्लिक्स ख़त्म हो गया था बेटी का, तो ये लेके आई, बिल्कुल जो जो नहीं था वो ही लाई हूँ। तो ये नमकीन, बिस्किट, ये चाय आप हस्बैंड ले जाते ऑफिस के लिए, और आपके बार मैंने ये वाला सरफ लाई, क्योंकि ना नहीं था वहाँ पे जो मैं लाती हूँ, तो ये लेके आई। चीनी नहीं थे, जो जो नहीं थे, ये नमकीन, क्योंकि नमकीन ना हो तो मेरा थोड़ा चलता ही नहीं है। राजमा, ये छोले, और ये दाल, और ये दो पैकेट मिर्च और हल्दी का, और बेटी के लिए एक ये लेके आई हूँ,
तो इतना ही सामान लेने गई थी और इतना ही लेके आई हूँ। इतने में ही मेरा बहुत बड़ा कांड कर दिया नॉली ने, तो ये सारा खाली कर दिया, डिब्बे डिब्बे में रख दिया। ये सारा हो गया मेरा इसका काम सब कुछ। तो ये देखो सब कुछ निकल गया। तो यहाँ बना रही हूँ मैं चावल, बैठा दिया है चावल, और यहाँ चिकन बन ही गए हैं थोड़ा। देखो कुकर में भी चिकन अच्छा होता है पर इसका टाइम लगता है। तो ये देखो इसमें पानी डाल दूंगी अब। तो ये कितने में हो जाएगा, तो ये चिकन एकदम तैयार हो गया, पानी डाल दिया। तो अब ये थोड़ा बॉईल होना है, तो इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ और ढक के गैस को कम कर दिया। तो ये बेडशीट चेंज कर दी और झाड़ू वाड़ू लगा दिया है सब कुछ, थोड़ा सा किया। पर इसको देख के तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा है, क्या दिखाऊं बार बार। तो ये बेटी को दे दिया और बेटी को दे दे रही हूँ, क्योंकि आज का चिकन तो अजीब ही हुआ है। जो भी है इतना अच्छी तरह नहीं बनाई हूँ। यहाँ फिश गरम हो रहा है और यहाँ पे चिकन है, तो जो भी हुआ जैसे। तो इस ब्लॉग को यही एंड कर देती हूँ, फिर मिलूँगी नया ब्लॉग के साथ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना।